और स्वच्छ भारत अभियान के तहत सूबे में खुले में शौच मुक्त करने के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि राजधानी से सटे बाराबंकी में हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा आज भी बदस्तूर जारी है। देखिए स्वच्छ भारत अभियान और मैला ढोने की कुप्रथा के बंद करने के दावों की खुलती बोली। हाथों में टोकरी थामे गलियों में घूम रही है महिला, खेतों में काम करने नहीं जा रही, बल्कि ये जो अमानवीय काम करने को मजबूर है, उससे वाकिफ होने के बाद प्रशासन और अधिकारियों की संवेदनहीनता की पोल खुल जाएगी। जी हाँ, ये महिला गलियों में घूम घूम कर घरों में हाथ से मैला उठाने का अमानवीय काम करने को मजबूर है। ये शर्मनाक तस्वीर राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी शहर के बंकी मोहल्ले की है, जहाँ ये सुबह 7 बजे घर से निकलती है और अपने पेट की आग बुझाने के लिए शहर के एक दर्जन से ज्यादा घरों में हाथों से मैला उठाती है। हाल ही में वो एक सर्वे की माने तो इस गंदे काम के मामले में यूपी सबसे ऊपर है। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि सरकार और प्रशासन की मैला ढोने की कुप्रथा बंद करने के दावों की असलियत क्या है। सूबे में स्वच्छता अभियान को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन शहर के दर्जनों घरों में किसी तरह बोरी लटकाकर खुले में शौचालय बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने शौचालय बनवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी की वजह से इनके घरों में शौचालय नहीं बन सका। हमने लैट्रिन क्यों नहीं भरा? सरकार इतने पैसे देती है। सरकार हमको नहीं देती सर, हम दो बार भरा, हमने अपने नाम भरा 100 रुपए दे के, फिर भराया, फिर भराया, इनके नाम कहीं भरेगा, तुम्हारा नाम नहीं भर पाएगा, तो फिर इनके नाम से भराए, मुस्लिम नाम से, तभी नहीं है। शहर के बंकी मोहल्ले में दर्जनों घरों में शौचालय नहीं बनने और हाथ मैला उठाने की कुप्रथा के बारे में जब जिले के एडीएम साहब से पूछा गया तो उनका जवाब सुन लीजिए। भले ही अब कह रहे हैं कि जिन घरों में शौचालय नहीं बना वहाँ शौचालय बनवाया जाएगा और हाथ में मैला ढोने की कुप्रथा को बंद किया जाएगा, लेकिन कि शहर में हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा और घरों में भारत स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनवाने के प्रशासन और सरकार के तमाम दावों की पोल तो खुल ही गई है, क्योंकि ये शर्मनाक तस्वीर तो सिर्फ पानी भर है। न्यूज 18 के लिए बाराबंकी से अनिरुद्ध की रिपोर्ट।